लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के चुनावी आम सभा को संबोधित करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने सुनने हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह जमकर कांग्रेस पर बरसे और बस्तर के आदिवासियों के विकास में कांग्रेस को रोड़ा बताया। साथ ही उन्होंने भाजपा के जनहित योजनाओं, मैतारी वंदन योजना, मुफ्त राशन वितरण को बस्तर के गरीब व विकास से दूर रहे लोगों के लिए वरदान बताया। वहीं मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराम नाग को प्रचंड बहुमत से जीतकर मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। कभी 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 भी आदिवासी बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर आदिवासियों का गौरव करने का काम। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति कल्याण दिन के रूप में बनाया। मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए से 10 आदिवासी संग्रहालय स्वतंत्र सेनानियों के बनाए और आदिवासियों का बजट भूपेश बघेल कान खोलकर सुन लो, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था, नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी